कहाँ पे लिखा है? ओ सॉरी यार, सॉरी। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ दो डब्बों को लेकर। तो मैं यार देख रहा था कि एक्चुअली ये जो ये है ना, एक फ़ोन स्टैंड है, ठीक है। तो ये कहाँ पर बना है? एंड जो ये है एक नवरत्न तेल, तो ये कहाँ पर बना है? तो मैं ऐसे ही इसको देखकर एक मेरे मन में एक ख्याल आया, उसी को मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ अभी, ठीक है। तो यार ये जो नवरत्न तेल है ना, एक आयुर्वेदिक तेल है एंड स्पेशली दिस इज़ मेड इन इंडिया। मगर जो इस फ़ोन का स्टैंड है ये मेड इन चाइना है। तो यार इसके माध्यम से आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इतने सारे टाइम से हम लोग ब्रिटिश के गुलाम थे, अभी थोड़े साल पहले चाइना के गुलाम थे। एक्चुअली देखने में गुलाम नहीं थे, मगर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जो चीज़ हम चाइना से खरीदते हैं, जो प्रोडक्ट हो गया, जो भी हो गया, काम हो गया, हम फॉरेनर से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहने लग गए। मगर नरेंद्र मोदी जी ने अभी कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, मतलब हम भारतवासियों को किसी से भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। जैसे कि यार अगर चाइना ही अच्छे अच्छे ऐप्स बनाएगा तभी तो हम ऐप्स यूज़ कर पाएंगे टिकटॉक के जैसे, भाई ऐसा नहीं होता यार, हम भारतवासी भी टैलेंटेड है। मैं उन लोगों को ही बताना चाहता हूँ जो लोग इस बात को समझते हैं, एंड जो लोग है कि नहीं यार हम भारतवासियों में कुछ है ही नहीं, कुछ भी टैलेंट नहीं है हम लोगों के अंदर, बाहर वाले बहुत बढ़िया है, अमेरिका, चाइना, रशिया, जापान, सब लोग बढ़िया भाई। तो यार इस वीडियो में मैं उन लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मैं सिर्फ उन 1 या 2% लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यार अपने अंदर का जो भी टैलेंट है उसे बाहर लाओ यार। अगर आप नहीं लाओगे तो यार कौन लाएगा आपके अंदर को टैलेंट? अगर क्या पता कि आपके अंदर एक ऐप क्रिएटर छुपा हो जो कि आपको नहीं पता है, जो अच्छे अच्छे ऐप्स क्रिएट कर सकता है। तो यार एक बार ट्राई करो, ऐप्स क्रिएट करो, चाहे वो बने या खराब, बिगड़ जाए या सक्सेसफुल हो जाए या फेलियर हो जाए, एक बार ट्राई जरूर से करना। या फिर अगर आप मॉडलिंग करते हो तो यार लाओ यार अपने टैलेंट को बाहर लाओ। सच्ची बात में अगर बोलो ना तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सिर्फ मार्क्स एंड परसेंटेज को कंसिडर किया जाता है, जो कि एक बहुत बुरी बात है। एंड बुरी बात नहीं है भाई, एक पागलपंथी है, एक मैं क्या ही बोलूँ इसको। ये जो सिस्टम है ना ये बाहर वाले लोग हमारे भारत में लाए थे, मगर एक्चुअली सिर्फ मार्क एंड परसेंटेज या 100 में से 100 लाने से कुछ नहीं होता भाई। जो 100 में से 100 लाते हैं ना, वो भी आजकल रोड पर अपना इंटरव्यू का जो फाइल लेकर घूम रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। एंड जो 10वीं फेल 12वीं फेल है वो यार बड़े बड़े काम कर चुके हैं, पता है। तो यार मैं बताना चाहता हूँ मार्क्स ही सब कुछ नहीं है, आपके अंदर जो टैलेंट है उसे बाहर निकालो। जब तक आपके अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालते यार, हमारा भारत वहाँ पर ही रहने वाला है। मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो कि बाहर किसी में भी नहीं है, तो यार सोचो आपके लिए, आपके फैमिली के लिए और अपने भारत के लिए कितनी बड़ी प्राउड की मोमेंट होने वाली है। तो यार मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो भी टॉयस हो गए, जो मोबाइल फ़ोन्स हो गए, या जो भी ऐप्स हो गए, जो भी कंपनीज हो गई, जो भी इंडस्ट्री होगी, फैक्ट्रीज होगी, यार चाइना से या विदेश से अभी आना बंद होना चाहिए। और हम भारतवासी अपने दम पर ही सब कुछ करना चाहिए भाई। अभी तक बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी हम कुछ कर सकते हैं, कुछ या बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों पता है? पूरे वर्ल्ड में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर यूथ की स्ट्रेंथ, यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पता है। यूथ की पॉपुलेशन जो 18 से 24 एज के जो पीपल है, जो मेल फीमेल है, वो भारत में ही सबसे ज़्यादा है कंपेयर करें अगर दूसरे कंट्रीज से। तो यार जो जो टैलेंट आपके अंदर है प्लीज़ उसे आइडेंटिफाई करो, उसे खोजो अपने अंदर और उसे बाहर निकालो और बहुत सारी प्रैक्टिस करो। एंड अपने टैलेंट को एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करो, अपने टैलेंट को एक अच्छी जगह पर लाकर खड़ा कर दो, तब जाकर लोग बोलेंगे भाई मार्क या परसेंटेज नहीं बोलते, क्रिएटिविटी एंड उसकी टैलेंट ही सब कुछ है। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ, सिर्फ मार्क या स्टडीज़ पर डिपेंडेंट मत रहो, अपने अंदर जो भी टैलेंट है अगर वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, एंड आप सोच रहे हो कि उस टैलेंट को अगर मैं बाहर लाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि भाई ये तो यार एकदम पागल है, क्या बात कर रहा है। तो यार मैं आपको बता दूँ कि लोग पागल उसे ही कहते हैं जो दूसरों से हटकर सोचता है। तो यार बस आशा इतनी ही करता हूँ कि आप लोग कुछ तो समझे होंगे मेरे वीडियो से। अगर कुछ समझ आया है तो आपको क्या समझ आया वो मुझे ज़रूर से नीचे
कमेंट कर कर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो, आपका कुछ काम का आपको कुछ मिला हो इस वीडियो से, तो लाइक ज़रूर से बनता है मेरे यार। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब करना है तो नीचे लाल कलर बटन है उसको क्लिक करके हरा कर देना। तो बस आज का वीडियो इतना ही था, मिलते एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड शुक्रिया।